बसमिल मेरा नाम मोहम्मद असद है मैं अल मिजान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का फ़ंड मैनेज करता हूँ और इन द कैपेसिटी ऑफ चीफ़ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर थोड़ा सा अल मिजान के बारे में मैं तारुफ़ करवा दूँ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इज़ द लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन पाकिस्तान हम कोई तकरीब फ़ंडस वन बिलियन से ऊपर इस वक्त मैनेज कर रहे हैं और इसमें तमाम जो कैटेगरीज हैं इन्वेस्टर्स के लिए आ, वो तमाम कैटेगरीज हमारे पास मौजूद हैं जिसमें एक्विटी म्यूचुअल फ़ंड्स भी हैं यानी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इस्लामिक फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स भी हैं जिसमें मनी मार्केट भी है शॉर्ट टर्म आपके आ, ये सावरेंट फ़ंड्स भी हैं फिर इसके अलावा लॉन्ग टर्म फंड्स भी हैं और इसके अलावा फिर कम्बिनेशन ऑफ जिसमें एकटी और फिक्स्ड इनकम फंड्स आते हैं बैलेंस फंड वो भी हमारे पास अलहमदिल्ला कैटेगरी मौजूद है फिर इसके अलावा एसेट एलोकेशंस के डिफरेंट प्लान्स और फंड्स हमारे पास मौजूद हैं कि उसमें आ, अगर कम स्टॉक मार्केट के प्रोपोर्शन के साथ जाना चाहे 50-50 के साथ जाना चाहे और ज़्यादा प्रोपोर्शन के साथ जाना चाहे और चेंज करना चाहे तो वो भी हमारे पास कैटेगरीज़ मौजूद हैं इसके अलावा जो हमारे पास कैटेगरीज़ हैं उसमें सबसे बड़ा आ, पेंशन फ़ंड है जो आ, इस वक्त पाकिस्तान में लार्जेस्ट आ, पेंशन फ़ंड मिजान का है मिजान तहफुज़ पेंशन फ़ंड और उसका मार्केट साइज़ भी इज़ द लार्जेस्ट और वी आर लीडिंग इन दैट कैटेगरी आल्सो आ, इसके अलावा जो हमारे पास आ, इसमें फंड्स हैं उसमें गोल्ड फंड है उसमें कमोडिटी फंड्स में आ, ये आ, आपका आ, एनर्जी फंड है तो ये तमाम कैटेगरीज हमारे पास मौजूद हैं और अभी रिसेंटली हमने लॉन्च किया है मिज़ान फिक्स टर्म प्लान ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो अभी रिसेंटली हमने इंट्रोड्यूस करवाया है इसमें कोई तीन महीने छः महीने और साल की आ, जो है टर्म्स के हिसाब से बिल्कुल सिमिलर टू बैंक्स और इसमें हाईएस्ट रेट आप आ, जो है आ, वो मुनाफा आपको मिल सकता है आ, औ, और लो रिस्क कैटेगरी फ़ंड अच्छा इसके अलावा अब ये थोड़ा सा मैंने तारुफ करवाया अलमीजान का थोड़ा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के के अलमीज़ान जो है वो लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है पाकिस्तान में जो 1995 से तकरीबन 27 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन पाकिस्तान और प्राइवेट सेक्टर में लार्जेस्ट है जो हम ये फ, फंड मैनेजमेंट कर रहे हैं इसमें एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये इंडेक्स के ख़ास तौर पर उसमें के एम आई इंडेक्स के एस सी जो मिजान इंडेक्स है ये हमने आ, आ, बेसिकली कराची स्टॉक चेंज के पाकिस्तान स्टॉक चेंज की कोलेब्रेशन के साथ दो हज़ार नौ में इंट्रोड्यूस करवाया था वो अलहमदिल्ला बहुत सक्सेसफुल रहा है और आप लोगों को बहुत हैरत होगी ये जान कर कि ये इंडेक्स जो है जो इस्लामिक इंडेक्स है के एस सी मीज़ानंडक्स इसने मोस्ट ऑफ द ईयर्स और टोटेलिटी में भी अगर आप ये 12 साल के रिकॉर्ड देखेंगे तो इसने आउट परफॉर्म किया है के सी हंड्रेड इंडेक्स को और मोस्ट ऑफ द ईयर्स इट आउट परफॉर्म्ड के सी हंड्रेड इंडेक्स शायद लोग ये समझते हैं या ऐसा परसेप्शन है कि के, के सी हंड्रेड इंडेक्स का ज़्यादा रिटर्न है लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है अच्छा अब हम आते हैं थोड़ा सा कि म्यूचुअल फ़ंड्स में क्या बेनिफिट्स हैं और पर्टिकुलरली इस्लामिक साइड पर जो है और ख़ास तौर पर इसमें क्या खसूसियात हैं क्या बेनिफिट्स हैं थोड़ा मैं उसके बारे में बता दूं सबसे पहले तो म्यूचुअल फ़ंड्स का ये बताऊं कि एक आम आदमी के लिए ये पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होता है आप किसी भी म्यूचुअल फ़ंड में रखवाएं किसी भी कैटेगरी में रखवाएं लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं इस्लामिक फिक्स्ड इनकम कैटेगरी की बात कर लेता हूँ तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोई लॉक इन पीरियड नहीं है आप अपना पैसा अगर आप कोई शख्स इन्वेस्ट करेगा कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा म्यूचुअल फंड में वो दो दिन के बाद चाहे रिडीम करवा ले उसको उस प्रोपोर्शन के हिसाब से जो प्रॉफिट एक्रू हो रहा है वो प्रॉफिट रिडेम्पशन के वक्त मिल जाएगा यानी आप यूँ समझें कि अगर पाँच हजार रुपए का इन्वेस्टर हो या पाँच करोड़ रुपए का इन्वेस्टर प्रॉफिट की शरह में कोई कमी नहीं होगी ये बहुत बड़ा बेनिफिट है जबकि नॉर्मली हमने दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ ये देखा है कि वो अगर साइज़ का एडवांटेज होता है तो शायद रेट ज़्यादा मिलता है लेकिन यहाँ इसमें म्यूचुअल फंड्स में और ख़ास तौर पर इस्लामिक उसमें ऐसी किसी किस्म का इबाम नहीं है तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको आप दो दिन के लिए रखवाएं पंद्रह दिन के लिए रखवाएं एक महीने के लिए रखवाएं एक साल के लिए रखवाएं आपको कोई लॉक इन पीरियड नहीं आप जब चाहे पैसे निकाल लें दूसरा जो इसमें बेनिफिट है वो ये है कि रिटर्न्स रिटर्न्स कम्पेरिटिवली ये नॉर्मली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं बैंक्स होते हैं इनके मुकाबले में रिटर्न्स ज़्यादा बेहतर होते हैं और ख़ास तौर पर इस्लामिक म्यूचुअल फ़ंड्स में हमने देखा है और मिज़ान के प्लेटफॉर्म से भी अलहमदिल्ला वी आर लीडर्स तो इसमें हमारे रिटर्नस आर वेरी कंपेटिटिव और बल्कि काफ़ी आपको Uh, जो रिटर्न्स हैं उसमें यानी नहीं कि किसी को एडवांटेज मिले लेकिन ओवरऑल आप रिटर्न्स देखेंगे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन रिटर्न्स जो है वो मेरे ख्याल में काफ़ी बेहतर हैं कंपेयर टू रेस्ट ऑफ़ दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो मैंने जिक्र किया इंक्लूडिंग बैंक्स उनके मुकाबले में तीसरा अब इस्लामिक उस पर आ जाएं कि इस्लामिक उसमें थोड़ा सा मैं जिक्र कर दूं कि पाँच साल और पिछले दस साल में इस्लामिक इंडस्ट्री इस्लामिक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ग्रोथ रही है आप ये समझ लें कि मोर देन डबल जो जो फंड्स की ग्रोथ है वो इट्स मोर देन डबल वो बेसिकली पिछले पाँच साल और दस साल में कंपेयर टू तो कन्वेंशनल इंडस्ट्री सारा फोकस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इस्लामिक फंड्स की तरफ रहा है और इधर ही सारी ग्रोथ हुई है वो इकबाल का शेर है कि चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की तो इसी इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो इस्लामिक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इस वक्त ग्रो कर रही है और आहिस्ता आहिस्ता इसका मार्केट शेयर इस कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग और कंपेयर टू तो बैंक्स अगर आप देखेंगे कोई 18 से 20 परसेंट ये तकरीबन अठारह उन्नीस परसेंट uh, uh, ये इस्लामिक uh, जो बेसिकली बैंकिंग इंडस्ट्री का शेयर है इस्लामिक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो शेयर है वो इट्स मोर देन डबल तो ये एक बहुत बड़ी खसूसियत है इस उसमें के इस्लामिक uh, का जो ट्रेंड है वो हमने देखा है वो काफी इंक्रीज हो रहा है और यही चीज मैं आपको बता तो इससे ज्यादा ये कन, पेंशन फंड में अगर आप देखेंगे तो वहां ग्रोथ इससे भी ज्यादा फास्ट है और सारे मेजर कंसंट्रेशन इट्स टूवर्ड्स इस्लामिक दूसरी अहम बात यह है कि इस्लामिक उसमें यह तो आपको पता है कि मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा कि बेसिकली आ, एसेट की बैकिंग होती है शरिया गाइडलाइंस के हिसाब से अंडर द ये रिलीजियस स्कॉलर्स आ, उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से हम ये सारी प्रॉफिट की शरा और सारा जो इसके काम है वो उनकी निगरानी निगरानी में होता है और प्लस इसका ऑडिट होता है शरिया ऑडिट होता है और फिर उसके बाद से ये तमाम ऑपरेशंस इसमें ट्रस्टी होता है सीडीसी और ये ट्रांसपेरेंसी जो है वो इसमें मैक्सिमाइजेशन है और तो इसलिए इस लिहाज से इस्लामिक इंडस्ट्री को ये प्रिविलेज हासिल है रिटर्न्स के लिहाज से ट्रांसपेरेंसी के लिहाज से और प्लस आपके जो है और प्योरली शरिया कंप्लाइंट आपको एक इन्वेस्टर को प्रॉफिट मिलता है प्लस रिटर्न्स के उसमें मैंने आपको पहले जिक्र किया कि इन्वेस्टर के लिए एक रिटर्न खास तौर पर ज़रूरी है लेकिन उसमें रिस्क कैटेगरी को देखते हुए तौर पर जिस तरह मैंने जिक्र किया कि स्टॉक मार्केट क्योंकि थोड़ी सी अभी लीन और थोड़ा सा इकनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से वॉलीटाइल है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा इस प्लेटफॉर्म से कि अपने फंड्स लो रिस्क प्रोडक्ट और जिसमें इस वक्त रिटर्न मिल रहा है जो रेंज है कोई तकरीबन तेरह परसेंट से लेकर साढ़े चौदह परसेंट की रेंज में ये हमारे जो फंड्स हैं वो इस वक्त इस्लामिक फ़ंड्स जो ऑफ़र कर रहे हैं Uh, मिज़ान के प्लेटफॉर्म से भी उसमें आप अपना सरमाया लगाएं और जब चाहें आप उस मुनाफे को विदाउट एनी लोड विदाउट एनी स्ट्रिंग्स आप कैश कर सकते हैं ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है आम आदमी को शायद इस चीज़ की नॉलेज नहीं अगर आप नॉर्मली किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जनरली पैसा रखते हैं तो आजकल शर सूद आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है तकरीबन पौने तेरह परसेंट के करीब है उस हवाले से अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो है और नॉर्मली जो इन्वेस्टर है किसी फाइनेशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक में रखता है वहाँ जो रेट है वो डबल डिजिट भी नहीं मिलता यहाँ आपके लिए खसूसियत ये कि एन प्योरली मार्केट कम्पेटिव और हाइस रेट आपको अर्न करने की इसमें खसूसियत हासिल है और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अलमीज़ान जो है वो आ, ये आ, आप लोगों के लिए इसमें तमाम इंडस्ट्री को इस वक्त लीड कर रहा है और प्लस इस प्लेटफॉर्म से आ, आप ये तमाम सर्विसेज जो है वो इस्तेफादा कर सकते हैं और प्लस हमारी ऑनलाइन तमाम सर्विसेज मौजूद हैं आप चाहें तो ऑनलाइन आ, ये जो है अकाउंट ओपनिंग इन्वेस्टमेंट ये तमाम प्रोसेस विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन भी कर सकते हैं दूसरा इसके अलावा अलमीज़ान के ऑफिस से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अलमीज़ान की मिज़ान बैंक की ब्रांचेस के थ्रू आप जो है आ, इन्वेस्ट कर सकते हैं हमने इसमें बहुत से चैनल्स रखे हैं और डिजिटल चैनल है आप अगर इसमें अलमीज़ान की वेबसाइट पर जाएंगे जो आ, ये डब्ल्यू 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 डॉट अलमिज़ान ग्रुप डॉट कॉम एल एम डब्ल डी एन जी आर ओ यू पी डॉट कॉम या आप हमारे कस्टमर और से सर आप तक करेंगे तो इसलिए आप उनसे फर्दर गाइडेंस इस सिलसिले में हासिल कर सकते हैं शुक्रिया बहुत बहुत